अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों हम लाए थे अपनी वाइट असील मुर्गी जो कि थी कुड़ुक। तो अब दोस्तों हमने इसको अंडों पे बिठाना था, तो दो तीन दिन हो गए हमने इसको अंडों पे नहीं बिठाया। मैं चाह रहा था कि एक दफ़ा वो यहाँ पे थोड़ी सी आदी हो जाए, क्योंकि जब वो फिर बच्चे निकालेगी तो सुकून से यहाँ पे फिरती रहेगी। तो दोस्तों अब जो है हमने सोचा है अपनी मुर्गी को अंडों पे आज हमने बिठा देना, इसलिए जो मटेरियल है मैं ये ले आया हूँ। इस मटेरियल पे हम रखेंगे अंडे और उस पर हम बिठाएंगे अपनी मुर्गी को, और इंशाल्लाह फिर 21 दिनों के बाद जो हमारी मुर्गी है प्यारे से चिक्स जो है वो हैच कर लेगी। पिंजरा इसका हमने अलग से पहले मैंने आपको दिखा दिया था, जिसमें मैंने इसको रखा हुआ था, उसी में हम इसको ये मटेरियल रख लेंगे और उस पर अंडे रख लेंगे, और इंशाल्लाह फिर ये जो है चिक्स को हैच कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों उस पर रखते हैं हम अंडे और मुर्गी को बैठाते हैं अंडों पर। तो दोस्तों मुर्गी हमारी जो है यहाँ पे बैठी हुई है, इसको मैंने बाहर खोला था कि कुछ खा पी लेगी और थोड़ा बहुत फिर घूम फिर लेगी इसको अंडों पे बिठाने से पहले। लेकिन दोस्तों बाकी मुर्गियाँ जो है इसको तंग कर रही थी, इसकी वजह से ये बेचारी यहाँ पे आकर बैठ गई थी। इसको मैंने थोड़ा बहुत दाना दे दिया था और पानी भी पिला दिया था कि ये यहाँ पे आराम से खा ले, तो अब इसने खा पी लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो नेस्टिंग मटेरियल है ये हमने इसके पिंजरे में रख देना है और इसको एक प्यारा सा जो है घोंसला बना के दे देना है, जिसमें ये हमारे चूजे जो है हैच करेंगी। दोस्तों आपने दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपने जब भी मुर्गी को अंडों पर बिठाना है आपने उसके पर चेक कर लेने, क्योंकि उसके परों में माइट्स नाम के एक ऐसे कीड़े हो सकते हैं जो मुर्गी को खा सकते हैं उसके गोश्त को, और उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है मुर्गी एक तो कमज़ोर होती है क्योंकि वो कुछ खाती पीती नहीं सही से, और वो बड़ी आसानी से मुर्गी को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकते हैं, और उसके अलावा वो चूज़ों में भी जा सकते हैं, जिससे जो चूज़े हैं वो बहुत छोटे होते हैं, वो चूज़े भी मर जाते हैं। तो दोस्तों दो तीन टिप्स आपको बताई हैं, ये आपने इनका ख्याल रखना है, इससे आपकी मुर्गी जो है सेहतियाब रहेगी। बाकी दोस्तों अगर आप फुल टिप्स जानना चाहते हैं जिससे मुर्गी जो है सारे अंडे हैच करे, तो आप मेरे चैनल पर एक वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको डिटेल सारी जो है टिप्स बताई हुई है कि मुर्गी की किस तरीके से कुड़ुक मुर्गी का ध्यान रखा जाए। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, अभी हम इस नेस्टिंग मटेरियल को रखते हैं इस पिंजरे में और अपनी मुर्गी को बिठाते हैं अंडों पर। तो दोस्तों अभी मैं नेस्टिंग मटेरियल यहाँ पे रख रहा हूँ मुर्गी के लिए। दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि नेस्टिंग मटेरियल आपने बहुत ज़्यादा, जैसे अभी ये देखें ये बहुत ज़्यादा हो गया, इससे क्या होता है जो अंडे होते हैं अंदर की तरफ दब जाते हैं और मुर्गी की हीट उन्हें सारी नहीं मिलती। तो आपने बहुत ज़्यादा नेस्टिंग मटेरियल नहीं डालना, और जब आपने नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया तो आपने उसको एक जैसे आप परिंदों का वो देखते हैं घोंसला बना होता है, उस तरीके से आपने उसको बना देना है ताकि मुर्गी आराम से उस पर बैठ सके और अपने जो चूजे हैं उनको निकाल सके। बाकी दोस्तों ये खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को सेट कर लेती है, इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि मुर्गियों को हमसे ज़्यादा पता होता है इस बारे में। तो दोस्तों नेस्टिंग मटेरियल हमारा हो गया सेट, तो नेस्टिंग मटेरियल हो गया हमारा सेट, और यहाँ पे मेरे पास जो है 6 अंडे पड़े हैं। दोस्तों इसमें से जो पहला अंडा है ये है हमारी मिक्स असील मुर्गी का, और बाकी जो है हमारे 5 चीनी मुर्गी के। एक अंडा जो है वो टूट गया था, जिसकी वजह से सारे 6 अंडे नहीं रख सका, तो मैंने सोचा कि एक जो है मैं साथ में मिक्स असील मुर्गी का अंडा रखते थे। दोस्तों अभी हम इन अंडों को रखते हैं इस अंदर। दोस्तों मुझे इस मुर्गी का रिजल्ट नहीं पता कि ये कैसे अंडे हैच करती है, क्योंकि मेरी पहले वाली जो मुर्गी है वो तो माशाल्लाह से सारे अंडे जो है हैच कर लेती है मेरी असील मुर्गी। तो 6 अंडे हमने यहाँ पे रख दिए हैं, अब मुर्गी इनको सेट कर लेगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे से ये अंडे जो है आगे की तरफ जा सकते हैं, तो इन अंडों को थोड़ा पीछे करके रख देते हैं। थोड़ा सा नेस्टिंग मटेरियल हम आगे वाली साइड पे भी लगा देते हैं ताकि ये आगे वाली साइड पे ना गिर जाए। अब दोस्तों घोंसला बन गया मुर्गी का, और मुर्गी हमारी इधर आ चुकी है। मुर्गी को शायद पता चल गया कि अंडे जो है उसके हमने रख दिए हैं, और अभी मुर्गी अपने पिंजरे की तरफ जा रही है। तो दोस्तों ये रिएक्शन बहुत मज़े का होता है जब मुर्गी अंडों के पास जाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है ये रिएक्शन देखकर कि मुर्गी अंडों को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। क्योंकि कुछ मेरी एक मुर्गी है उसको अगर ख़राब अंडे दे दो तो वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करती, उसे पहले ही पता चल जाता है कि वो अंडे एक दो ख़राब हैं तो वो उन पर बैठती ही नहीं है। तो दोस्तों ये हमारी मुर्गी वाइट कलर की हमारी मुर्गी अंडों को देख रही है, अभी पता नहीं बैठती भी है या क्या करती है, क्योंकि ये मेरे पास मैंने कुछ दिनों पहले ही मंगवाई थी
तो अभी मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या करेगी, लेकिन दोस्तों बैठने लगी है ये अंडों पर। तो दोस्तों हमारी मुर्गी ने फाइनली जो है अंडे एक्सेप्ट कर लिए हैं और माशाल्लाह से अंडों पर बैठ चुकी है। तो दोस्तों अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे और फिर क्योंकि ये अच्छे तरीके से खुद कवर कर लेगी और हम जो है इस पिंजरे को बंद कर देंगे और इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे कि इस मुर्गी ने इन अंडों को अच्छे से कवर किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। मैं आपको इस वीडियो की अपडेट देता रहूँगा कि जो मुर्गी है वो उसको मैं किस तरीके से उसकी केयर की जाती है कुड़ुक मुर्गी की, और साथ ही साथ अपडेट देता रहूँगा कि इसने अंडों को संभाला है सही से या नहीं सही से संभाला। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।